Colors TV serial Vishya Amrit Sitara is in its new track with Virat's marriage, and with that we got our hands on the interview of Ada Khan aka Sitara on the upcoming track from the sets of the serial. Take a look at her interview. क्योंकि दोनों जानते हैं कि दोनों के लिए एक दूसरे को फीलिंग्स है एंड पर विराज की शादी की रस्में शुरू हो गई है बोथ आर हर्ट और विराज भी ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं वो अनश्योर है शादी को लेके बट ही इज़ काइंड ऑफ कन्फेसिंग दिस कि तुम्हें दर्द नहीं हो रहा कि मैं शादी कर रहा हूँ Why don't you understand? So वो frustration निकाल रहे because he knows he's in love, I know I'm in love, but हम दोनों बता नहीं सकते एक दूसरे को तो इसलिए सीन में उसी चीज़ का गुस्सा एंड frustration निकल रहा है क्योंकि वो दर्द शायद सितारा को भी था जो आंसू के जरिए वो निकल पाए Yes, दर्द सितारा को बहुत है दर्द विराज को भी बहुत है बट मेरे आंसू बह गए एंड बट मैं स्टिल कहती हूँ वो पूछता है मुझसे कि क्या तुम खुश हो इस शादी से एंड मैं रोते रोते बोलती हूँ हाँ मैं खुश हूँ सो और आंसू बह रहे हैं एंड आई एम सेइंग आई एम हैप्पी तो विराज कहीं ना कहीं समझ जाता है विराज का फ्रस्ट्रेशन लेवल इतना है कि वो अपने हाथ का कुछ धागा भी जिसे आप अशुभ कहने कह रहे हो तो किस चीज़ का जो उसकी डोरी डोरी बंधाई रस्म थी जो अभी हुई थी सो वो डोरी वो तोड़ना चाहता है तब मैं कहती हूँ कि इस डोरी को नहीं तोड़ते बिकॉज अशुभ होता है सो बिकॉज उसे वो रिश्ता तोड़ना है मित्रा के साथ बट आई स्टॉप हिम एंड आई से कि मत तोड़ो इस डोरी को बिकॉज ये अपशगुन है लास्टली विराज का रुख सितारा की तरफ मुड़ रहा है और ये व्यूवर्स के लिए कितना इंटरेस्टिंग होता है व्यूवर्स जानते हैं कि विराज एंड सितारा दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं दोनों एक दूसरे के लिए दोनों फीलिंग्स आ गई है सो आई एम श्योर दैट उन्हें अच्छा लगेगा अगर यू नो हमने कन्फेस किया तो बिकॉज हमने अब तक एक दूसरे से कन्फेस नहीं किया है सो दिस इज़ वॉट इज़ हैपनिंग राइट नाउ इन द स्टोरी कि वी आर अट्रैक्टेड और हम दोनों जानते हैं बहुत क्लोज आ गए हैं बट वी नो कि इनकी किसी और से शादी होने वाली है सो वी हैव स्टॉप्ड बट लेट्स सी आगे क्या होता है कन्फेशन होगा या फिर सितारा का ही रूप बदलने वाला है यू नेवर नो बिकॉज बहुत कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली है अब स्टोरी में इट्स अ जेज रिपोर्ट फ्रॉम निक्सन वर्ल्ड